श्री गुरु नानक देव के ज्योति जोत पर्व पर बेटमा साहिब गुरुद्वारा में विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में सिख धर्मावलंबियों की काफी भीड़ जुटी। सुबह से सुखमनी साहिब जी का पाठ हुआ, फिर पंचपानी पाठ के बाद कीर्तन पूजन किया गया। वहीं इस अवसर पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई प्रकार की बीमारियों की जांच सेवादारों द्वारा फ्री की गई। सन 1539 को आज ही के दिन करतारपुर साहिब पाकिस्तान में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज की ज्योति जोत समाये थे। इस दिन को समूचे विश्व की सिख संगत ज्योति जोत पर्व के रूप में मनाती है। इस दिन मध्य प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों के गुरु घर में सुबह से कीर्तन पाठ और लंगर की सेवा दी गई, जहां बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद रहे। गुरु नानक देव जी का मध्य प्रदेश से गहरा संबंध रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश की दो यात्राएं की थी। उनकी यात्रा का स्मरण यहाँ के गुरुद्वारों से होता है। इस अवसर पर बेटमा के दोनों ही गुरुद्वारों को आकर्षक रूप से सजाया गया था। इस दौरान यहाँ गुरु का अटूट लंगर भी आयोजित किया गया। बेटमा सिख समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। गुरु नानक देव भारत यात्रा के दौरान लगभग 500 साल पहले बेटमा आए थे। यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज ने करीब 3 महीने से अधिक समय तक निवास किया था। उनके चरण पादुका वाले स्थान को चरण पादुका गुरुद्वारा और जिस स्थान पर उन्होंने खारे पानी को मीठा किया था उस स्थान को बावड़ी साहब गुरुद्वारा कहा जाता है। ज्योति जोत पर्व के दिन यहाँ आसपास के कई नगरों से सात संगत अरदास करने और दर्शन के लिए बेटमा पहुँचते हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा गुरु के लंगर की सेवा की गई। वहीं इस अवसर पर हुए विशेष स्वास्थ्य शिविर में 1000 से अधिक लोग पहुंचे, जिन्होंने अपनी कई प्रकार की बीमारियों की जांच करवाई। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। आज गुरु नानक देव जी का ज्योति ज्योत पुरब यहाँ सिख संगत पूरे इंदौर श्री गुरु सिंह साहब के तत्वाधान में समूह संगता के सहयोग के सत के यहाँ बड़े ही प्यार और श्रद्धा के साथ मनाया गया है। यहाँ पर विशेष दीवान सजाए गए, सुबह 7 बजे से लेकर 2:45 बजे तक ये दीवान सजे और इसमें हाजिरी भरने के लिए भाई साहब भाई बलप्रीत सिंह जी, भाई साहब भाई तवनीत सिंह जी और गुरमत विचारक ज्ञानी डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी दिल्ली वाले इन दीवानों में हाजिरी भरने के लिए पहुँचे हैं और इन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से बहुत ही काबिल कद्र तारीफ अंदाज की तरफ से अंदाज से कीर्तन और रूहानी गुरबाणी कीर्तन और गुरमत विचारों के साथ संगतों को निहाल किया। संगतों ने यहाँ पर गुरबाणी का रस मानते हुए मन की भूख को शांत किया और तन की भूख को लंगर के रहीं शांत किया। ऐसे गुरु साहब गुरु नानक देव जी समानता एकता शांति के पुंज जिनका ज्योति ज्योत पूरा बना रहे हैं बड़े ही संगतों ने प्यार के साथ और श्रद्धा के साथ बनाया और साथ में ही सदगुरु डेवलपर्स की तरफ से यहाँ पर एक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र बनाया गया जिसमें फ्री ऑफ चार्ज संगतों को 1500 रुपये की चार्ज जो भी टेस्ट थे बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज करवाए गए संगतों के और कोई उसके चार्ज नहीं लिया गया और यहाँ संगतों का इसके अंदर बहुत ही रुझान रहा और बहुत हजारों की तादाद में संगतों ने इसका लाहा लिया। इतनी बेनती परवान करना, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।